नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे इस चैनल रोचक कथाएं में पुनः स्वागत है। आज मैं आपको पद्मावती के शापित कुंड की कहानी बताने जा रहा हूं, जो आज तक आपने नहीं सुनी होगी। जिस कुंड में रानी पद्मावती और उसके साथ कई रानियों ने जौहर किया था, वह आज भी क्यों रात के समय में खनकती हुई पायल व अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती हैं। आज भी उस कुंड के आसपास कोई भी जाने की हिम्मत नहीं करता है, क्योंकि वहां के आसपास के लोगों का मानना है कि वह कुंड भूतिया है। इसका कारण उन्होंने यह बताया कि रात के समय में उन्हें वहां अजीबोगरीब आवाजें व हरकतें सुनाई व दिखाई देती हैं। लोगों की माने तो उनका कहना है कि रानी पद्मावती की आत्मा आज भी कुंड के भीतर भटकती है। तो चलिए आज हम आपको इसी के बारे में बताते हैं कि आखिर यह हकीकत है या लोगों का भ्रम है। चित्तौड़ के गौमुख कुंड के बारे में लोगों का मानना है कि पानी से भरे इस कुंड में आत्माओं का वास है। कई लोग यह दावा करते हैं कि कोई रूहानी ताकत उन्हें अंदर खींचने का प्रयास करता है। यही कारण है जिसके लिए यहाँ पर रात रुकने के लिए कोई भी नहीं मानता है। बताया जाता है कि रानी पद्मावती यहीं पर स्नान करने आया करती थी। गौरतलब बात यह है कि इस कुंड में लगातार एक ही स्तर पर पानी रहता है। लोगों का यह भी कहना है कि इस कुंड में डूबने के कारण कई लोगों की जान गई है। इतना ही नहीं, बल्कि वहां के केयर टेकर ने भी यह खुद बताया है कि उसे ऐसा लगा कि उसके पैरों को कोई खींच रहा है। यही नहीं, कुंड के पुजारी भी शाम होते यहां से चले जाते हैं। चित्तौड़ के किले में एक दूसरे छोर पर रानी पद्मावती का एक मंदिर भी बनाया गया है। वहां के लोगों का मानना है कि रानी पद्मावती के आते ही वहां के दरवाजे अपने आप ही खुल जाते हैं। यहां पर काफी सालों से रहने वाले पुजारी के परिवार भी इन रहस्यमय घटनाओं को महसूस कर चुके हैं। पुजारी के पूर्वजों की माने तो जब रानी पद्मावती वहां आती थी तो वहां के दरवाजों के ताले अपने आप खुल जाया करते थे। यह बात सुनी सुनाई नहीं है, यह घटना पुजारी के पूर्वजों ने खुद महसूस की थी। तो यह थी रानी पद्मावती के शापित कुंड की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी होगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।